हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल जी स्टाइल। मैं हूँ ज़ाहिदा। उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और एकदम फिट फाट होंगे। सो आज कुछ नया लग रहा है आपको मुझ में? बिल्कुल लगना चाहिए क्योंकि आई एम वेरी कॉन्टेक्ट लेंसेज। आप गौर से देखिए, सी आई एम वेरी कॉन्टेक्ट लेंसेज फर्स्ट टाइम इन माई वीडियो। यस, मैंने इससे पहले कभी कॉन्टेक्ट लेंस यूज़ नहीं किया अपनी किसी भी वीडियो में, क्योंकि मैंने अभी अभी खरीदे हैं और आई एम गोइंग टू शेयर ये कौन से हैं ताकि आप इनको ले सकें, क्योंकि इनकी अच्छी बात यह है कि दे आर सुपर 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 ब्रांड है। ये है जनाब बेला कॉन्टेक्ट लेंसेज, दीज आर द इनके, और आप इजिली देख सकते हैं इनका कलर जो है बहुत ही सटल सा है। कलर है ब्लूश ग्रे। देयर एंड देयर सुपर कंफर्टेबल एंड देयर कोई मेरे व्यू में ब्लरनेस नहीं है एंड देयर सुपर अफोर्डेबल टू। अब प्राइस मैं आपको बता देती हूँ। जो ये वाले मैंने यूज़ किए हैं बेला के कॉन्टेक्ट लेंसेज, दे आर वन डे, देयर कलेक्शन नेम इज़ वन डे। बेला के जो ये कलेक्शन है वन डे, जिसके मैंने लेंसेज यूज़ किए हैं, ये इनकी एक डिस्पोजेबल काइंड ऑफ कलेक्शन में से है। इनकी बहुत सी कलेक्शन है, आप जाके इनके जो लिंक में शेयर करूँगी, इनका इंस्टाग्राम पेज भी है बेला आई कॉन्टेक्ट लेंसेज, आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। सो मैं बता रही थी इनके बारे में आपको कि ये जो है आप इसको लगा सकते हैं 1 मंथ में 7 टाइम्स, यानी कि ये वेयरेबल है 1 to 7 टाइम्स। 1 महीने के अंदर अंदर आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। और द प्राइस, यस प्राइस इज सुपर 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 अफोर्डेबल। माइट बी 1000 है, कहीं 1200 है, कहीं 1000 से भी कम है। सो इट्स जस्ट लाइक दैट। और ये आते कैसे हैं जनाब? ये आते हैं इस तरह के पाउच में, यू कैन सी दिस पाउच, ठीक है, पाउल। और इसमें सोलाइट के पाउच के अंदर ही एक है सोल्यूशन, लेंस सोल्यूशन है सोलाइट का, इसका लेंस केस है, जैसा कि हर लेंस के साथ आपको देखने को मिलता है। सुपर कंफर्टेबल है, कोई मेरे वीएन में ब्लरनेस नहीं है और बहुत कंफर्टेबली आराम से जो है मैंने इनको लगाया हुआ है पिछले 1 घंटे से। मुझे किसी किस्म की कोई इरिटेशन नहीं है, कोई रेडनेस नहीं है, और अच्छी बात क्या है कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस। जाके देख सकते हैं मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द डिटेल्स। जनाब आज की जो वीडियो है ना वो बहुत ही पॉपअप से कलर की है। पॉपअप कलर मीन्स पर्पल कलर वीडियो है। जी हाँ, आज की जो वीडियो है वो है पर्पल या मोव मेकअप के ऊपर। और आई थिंक हम ज़्यादा बात नहीं करते, कुछ एक्सपेरिमेंटल सी वीडियो होने वाली है, तो लेट्स स्टार्ट इट। और उससे पहले मैं ये बता दूं कि मैं एक नया प्राइमर यूज़ कर रही हूँ जो कि मैंने अपनी रेडनेस के लिए लिया था। आई लेट मी शो यू द प्राइमर। दिस इज द प्राइमर। जी हाँ, ये ब्रांड है कैटराइज कैटरीज, इसे आप जैसे भी प्रोनाउंस करें। दिस इज़ नो मोर रेड, यू कैन सी मैंने कुछ मेकअप अप्लाई नहीं किया, बट माई चीक्स आर सो रेड। सो ये एंटी रेड है, सो लेट्स ट्राई कि ये अपना डिलीवर करता है कि नहीं करता। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, नो मोर वेस्टिंग टाइम, स्टार्ट द वीडियो, लेट्स गो गो। तो अपने बालों को अच्छे से टाई कर लीजिए, और अगर आपको बाहर से आवाज़ें आ गई हैं तो उसके लिए माजरत। तो अच्छा, अब हम करने वाले हैं अपने फेस को मॉइस्चराइज़र। तो मैं ले रही हूँ तजमीली बाय हनिया का मिल्की यू सीरम। दिस इज़ सो सो गुड इन दिस समर सीज़न। आप इसको अच्छे से अपनी स्किन को प्रेप कर लीजिए और इसको डैबिंग मोशन में अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब कर लीजिए। और उसके बाद साथ ही साथ मैं लेने वाली हूँ कैटरीज, यहाँ कैटरीज का ये नो मोर रेड प्राइमर। और इसको मैं अब तक 3 बार यूज़ कर चुकी हूँ। ये ग्रीन से कलर का था एंड इट्स रियली रियली गुड। जिस तरह आप कलर करेक्टर यूज़ करते हैं वो आपको करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी अगर आप ये यूज़ करेंगे। और अगर आपकी स्किन मेरी तरह रेड है और समर्स में आपको प्रॉब्लम होती है, दिस इज़ टू गुड फॉर समर्स। और इसके बाद जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और इसकी कोई स्मेल नहीं। अच्छा जी, अब मैं ले रही हूँ मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन, कलर है प्रोसलीन। और मैं इसको ब्रश की मदद से डैबिंग मोशन में पहले पूरे चेहरे पे लगाऊंगी और फिर अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी। जब मैं इसको हाफ ऑफ द मेरे फाउंडेशन ब्लेंड हो जाएगा तो मैं यूज़ करने वाली हूँ कंसीलर, और कंसीलर मैं यूज़ करने वाली हूँ मिस रोज़ का। कलर है, शेड है उसका फेयर। और इसी तरह ट्रायंगल में मैं लगाऊंगी, ट्रायंगल शेप में मैं अपने आई के नीचे जो है इसको लगाऊंगी और फिर मैं इसको ब्रश की मदद से ही इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है वहाँ वहाँ आप कंसील कर सकते हैं अच्छे से। जब ये अच्छे से आपका ब्लेंड हो जाए तो आप ले लीजिए कंटूर। कंटूरिंग के लिए मैं ले रही हूँ मेबेलिन की मास्टर कंटूर स्टिक। मैंने करनी है थोड़ी सी अपने चीक बोन को थोड़ा हाईलाइट करना है, तो उसके लिए मैंने अच्छे से जो है कंटूरिंग करनी है। और कंटूरिंग के साथ साथ ब्रॉन्जिंग भी बहुत अच्छे से करनी है। और मैं इसको ब्रश की मदद से अपनी नोज़ की दोनों साइड्स पर नोज़ को थोड़ा सा एंगुलर दिखाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। उसी तरह मैं अपनी कंटूर भी जो है पूरी अपनी जॉ लाइन को प्रोमिनेंट कर रही हूँ। कंटूर ब्रश की मदद से अच्छे से किया है मैंने इसको कंटूर। और अब मैं लेने वाली हूँ उस पाउडर, मैं करने वाली हूँ सेट अंडर आई को, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में आपकी अंडर आई बहुत जल्दी जो है वो स्वेट हो जाती है और यहाँ पे आपकी क्रीज जो है वो क्रिएट हो जाती है। उसको कंट्रोल करने के लिए मैंने जो है वो लूज़ पाउडर लिया है मिनीसू का। और अब मैं ले रही हूँ फ्लॉलेस फेस पैलेट बाय सेफोरा। इसमें जो है कंट्रोल, ये इनका जो फेस पैलेट है ये लाइट शेड में, मैं ले रही हूँ कंट्रोल इनका।
और मैं अब करूँगी अच्छे से पाउडर कंटूर से अच्छा सा ब्रॉन्ज कर लूँगी अपने पूरी जॉ लाइन है, हाईलाइट करने हैं इनके, मुझे थोड़ी सी हाई बोन चाहिए तो मैं उसको अच्छा सा कंट्रोल कर रही हूँ। और बाद में अगर ज़्यादा आपको लगे तो बाद में आप उसको लूज सेटिंग पाउडर से सेट कर सकते हैं, जैसा कि मैं कर रही हूँ, एक पूरी लाइन डिफाइन कर रही हूँ। अच्छा जनाब, ये हो गया है ऑल डन। तो अब हम क्या करने वाले हैं, आप देखें। ओके जनाब, अब इसी फेस पैलेट के साथ जो है मैं करने वाली हूँ ब्लशन यूज़, और अपने चीक पे अच्छे से मैंने इसको ब्लशन जो है अप्लाई कर दिया है दोनों तरफ, आप देख सकते हैं। मैंने इसको राउंड राउंड में अप्लाई इसलिए किया क्योंकि मुझे, अगेन मैं बता दूँ कि मुझे अपनी जो चीक बोन्स हैं वो हाईलाइटेड चाहिए थी, इस वजह से मैंने उसको इस तरह से यूज़ किया है। अपने नोज़ पे और हर जगह पे अच्छा सा लगाया है, और हाईलाइटर भी मैं इसी पैलेट से ही यूज़ करने वाली हूँ। बहुत पिगमेंटेड है, बिल्डेबल है, आप ये दोनों, ये पैलेट जो है बहुत 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 अमेजिंग है। वन पैलेट में आपको सब कुछ मिल जाता है, तो मेरी तरफ से टोटली रिकमेंडेड है। आप देख सकते हैं किस कदर हसीन इसका जो है हाईलाइटर है। इसको अप्लाई हो चुका है हाईलाइटर। अच्छा, मैं ले रही हूँ आईब्रो पेंसिल, मैं ले रही हूँ H&M की आईब्रो पेंसिल, कलर है ब्राउन, और मैं इसको अपनी जो मेरी शेप है जो मेरी आईब्रो की उसके साथ ही मैं इसको अच्छे से शेप करके बना रही हूँ, और बाद में इसी सेम प्रोसेस को रिपीट करूँगी दूसरी अपनी आईब्रो के ऊपर, और फिर स्पूली की मदद से अच्छे से मैं इसको ब्रश कर लूँगी। ऑलमोस्ट डन विद माई आईब्रोज। अच्छा जी, अब मैं ले रही हूँ ग्लीमिंग स्टोन आई शेडो पैलेट बाय सफोरा, इसमें ये कलर है कैरेट, और पहले मैं आईलिट के ऊपर अपने अच्छे से क्रीज लाइन के नीचे नीचे पूरी आईलिट को कवर करूँगी, अच्छे से फ्लफी ब्रश की मदद से ब्लेंड कर दूँगी, रिपीट किया है सेम आई पे। अब मैं ले रही हूँ कलर पॉप आई शेडो बाय कलर पर्पल। अच्छा, इसको लगाना बहुत एहतियात से भाई, क्योंकि ये पुटी फॉर्म में है, थोड़ा पाउडरी फॉर्म में है, ये बहुत नीचे गिरता है, इसके ज़र्रे गिरते हैं, और उसके लिए आप ज़्यादा सा लूज़ पाउडर अपने स्किन के, अपने अंडर आई के नीचे अप्लाई करें, और इसको अच्छे से ब्लेंड की मैं क्रीज लाइन के ऊपर ले गई हूँ। अब देखें, मैं दूसरी साइड पे आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने अच्छे से ब्लेंड किया है क्रीज लाइन से ऊपर, और डेप्थ देने के लिए मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। अब एंड आई कॉर्नर से लेके इसको अंदर आ तक लेके आई हूँ क्रीज लाइन के ऊपर ऊपर। अच्छा, एनेस्थीसिया बेवरली हिल्स का मैंने ये हाईलाइटर पैलेट लिया है, पर मैं इसको जो कलर इसमें स्पेक्ट्रा है इसको मैं लेके ब्लेंड कर रही हूँ ताकि दोनों कलर अच्छे से ब्लेंड हो जाए, और एक तीसरे कलर को मिक्स कर रही हूँ। इसी कलर को लेके मैंने अपनी आईब्रो बोन जो है ब्रो बॉन को मैंने अच्छे से हाईलाइट कर लिया है। फिर मैंने जितना भी लूज़ पाउडर था उसको मैंने साइड पे किया ताकि जितना भी कलर गिरा है वो सीख वो अस उतर जाए। अब मैं रूबी स्मोकी आई शेडो पैलेट लेके इसमें कलर है ब्राउन, और मैं इसके साथ अपना लैश लाइन के साथ साथ आईलाइनर की जगह थोड़ी सी फिल कर रही हूँ ताकि जब मैं लैशेज लगाऊँ तो वो अलग से ना लगें, अच्छे से ब्लेंड हो जाए अपनी लैश लाइन के साथ। सेम प्रोसेस। अच्छा जी, वही कलर लेके मैंने अपनी आंखों के अंदर अपनी वाटर लाइन के नीचे जो है मैंने अच्छे से उसको किया है, डेप्थ देने के लिए आई के अंदर किया है। इसके बाद मैं आई पेंसिल ले रही हूँ, मेबेलिन क्लॉसल काजल पेंसिल है, अपनी वाटर लाइन को अच्छे से मैंने पूरा ब्लैक से कर लिया है जिस तरह काजल आप अप्लाई करते हैं। तो जनाब, अब मैं ले रही हूँ फॉल्सी आई लैशेज बाय मेबेलिन। अच्छे से मस्कारा लगाना है अपने विगल फॉर्म में, ये विगल मीन्स होता है कि आप ऊपर नीचे तो लगाते हैं, बैक एंड फोर्थ भी करें ताकि अच्छा से कॉन्टेंट आपकी आई लैशेज में जाए और वॉल्यूम क्रिएट हो जाए। अगर आप लैशेज़ रखेंगे तो वो आपके साथ बिल्कुल लैशेज के साथ आपकी अपनी लैशेज़ जो है वो आ जाएंगी। अब मैंने इसी हाईलाइटर पैलेट से अब एक कलर लेकर अपनी आंख आई कॉर्नर को लगाया है थोड़ा सा इसको शिमरी लुक देने के लिए, बोथ साइड पे वही मैंने रिपीट किया है। तो जनाब, ये हो गया डन। अब बारी है आई लैशेज की, और ये हो गया लैशेज भी डन। लिपस्टिक के लिए मैं ले रही हूँ एसेंस की है ये मैट लिपस्टिक, शेड है पिंक। इसको मैं लेके अपनी फिंगर से ही मैं इसको ब्लेंड करूँगी, और फिर मैं इसके ऊपर लगाने वाली हूँ जो दूसरा कलर लगाऊंगी वो है H&M का लिप ग्लॉस इन द शेड न्यूड, ताकि इसको मैं थोड़ा सटल लुक में लेके जाना चाह रही हूँ। आई डोंट वांट अ पॉप अप कलर बिकॉज माय आईज़ आर ऑलरेडी पॉपिंग आउट। सो अब इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ मेडोरा का, शेड है एंटिंग पिंक, बहुत अमेजिंग कलर है, समर्स के लिए बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन।